अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया है, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब कि फिल्म रिलीज होने के पहले ये पता था कि भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इतना बड़ा धमाका कि भैया बाहुबली 2 के कलेक्शन, ट्रिपल आर के कलेक्शन और KGF चैप्टर 2 के कलेक्शन का रिकॉर्ड भी पठान ने सिर्फ अपने 18 दिनों में तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर शाहरुख खान की फिल्म पठान को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 18 दिन हो चुके हैं और ने 18 दिनों में जो कमाई की है उसे जानकर अगर आप बॉलीवुड के फैन हो तो आपका दिल पूरी तरह से खुश हो जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बॉलीवुड की जो इज्जत पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से डूब चुकी थी, उस इज्जत को और उस नाम को फिर से बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने नंबर 1 पर लाके खड़ा कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान के 18 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म ने दुनिया भर से टोटल कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। अरे पठान के घर पे रखोगे तो मैं मरने बाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा। तो दोस्तों, स्पाई यूनिवर्स की तीसरी कड़ी यानी कि पठान। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि स्पाई यूनिवर्स में अभी तक टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर और वार फिल्म आई थी, उसके बाद धमाका किया शाहरुख खान ने पठान फिल्म के साथ में। अब स्पाई यूनिवर्स की पिछली 3 फिल्में भी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन पठान ने तो उन तीनों ही फिल्मों को पीछे छोड़ दिया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की कमाई कर रही है उसे देख कर लगता है कि आने वाले समय में भैया स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर देगी। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी एक्शन पैक्ड फिल्म पठान, जिस फिल्म में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण देखने को मिले थे। सिर्फ 250 करोड़ के बजट में बनी पठान फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी कि फिल्म बुधवार रिलीज हुई थी, जिसके चलते फिल्म का जो पहला हफ्ता था वो 9 दिनों का रहा था और फिल्म ने पहले हफ्ते ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 364 करोड़ 15 लाख रुपए का कर लिया था। वही दोस्तों, इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में इंडिया से नेट कलेक्शन 94 करोड़ 75 लाख रुपए का किया। लेकिन दोस्तों, फिल्म का जैसे ही तीसरा हफ्ता शुरू हुआ, फिल्म के कलेक्शन में फिर से एक बार बड़ा जंप देखने को मिला। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म ने अपने 17वें दिन यानी कि तीसरे शुक्रवार इंडिया से नेट कलेक्शन 5 करोड़ 60 लाख रुपए का किया। लेकिन बात करें फिल्म के 18वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर 18वें दिन है शनिवार। शनिवार का मतलब हाफ होलीडे, हाफ होलीडे का मतलब कि फिल्म के कलेक्शन फिर से बढ़ जाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर पठान फिल्म को 18वें दिन मॉर्निंग वाले शोज में तो कल जैसी ही ऑक्यूपेंसी मिली है, लेकिन हाफ होलीडे होने की वजह से फिल्म के आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की जो बुकिंग है वो कल के मुकाबले 50% ज्यादा है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक यहां पर पठान फिल्म अपने 18वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 10 से 11 करोड़ का कर रही है। अब अगर बात करें कि शुरुआती 18 दिनों में फिल्म का टोटल कलेक्शन कितना होता है, तो दोस्तों यहां 18 दिनों के अंदर पठान फिल्म का हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों भाषाओं में जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है वो हो चुका है 475 करोड़ का। जी हां दोस्तों, फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन 475 करोड़ का कर लिया है और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फिल्म को सिर्फ और सिर्फ 47 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन और करना होगा। लेकिन अगर बात करें इंडिया ग्रोस कलेक्शन के बारे में, तो पठान फिल्म का तीनों भाषाओं में इंडिया से ग्रोस कलेक्शन 567 करोड़ का हो चुका है। पर अब बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई के बारे में, तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां बॉलीवुड की फिल्में ओवरसीज मार्केट में मुश्किल से 20-50 करोड़ रुपए कमाती है और इंडिया वर्ल्ड वाइड मिलाकर 300-350 करोड़ रुपए की कमाई कोई कोई सी फिल्म करती है, लेकिन यहां पर शाहरुख खान की फिल्म जो पठान है ना, इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से ही 18 दिनों में 348 करोड़ यानी कि लगभग 350 करोड़ की कमाई की है। जी हां दोस्तों, आपके कान खराब नहीं हुए, आपने बिल्कुल सही सुना है, पठान फिल्म आज तक ओवरसीज मार्केट से 348 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। अब अगर जोड़े कि पठान फिल्म का टोटल कलेक्शन कितना होता है, तो दोस्तों शुरुआती 18 दिनों के अंदर पठान का जो वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कलेक्शन है वो हो रहा है 915 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, पठान फिल्म का दुनिया भर में 18 दिनों के अंदर 915 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। अब कल है संडे, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कल यानी कि 19वें दिन पठान फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में मिनिमम 30 या 25 करोड़ की कमाई करेगी। यानी कि दोस्तों पठान फिल्म कल तक 950 करोड़ के आंकड़े के बिल्कुल करीब आ जाएगी। उसके बाद अगले हफ्ते में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो मिनिमम 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा।